मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन की सुगबुगाहट के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सभी मंत्रियों को इस बात की उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिलेगा। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लगता है मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दहशत के बीच जो छोटे मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है उसमें उनके मंत्रियों को ज़रूर जगह दी जाएगी। हालांकि अभी सभी का दो टुक कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन वो खुलकर कह रहे हैं जिन 6 पूर्व मंत्री जिन्होंने पद छोड़ा उन्हें शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपाई हो जाने के बाद उनकी राजनीति का क्या होगा वो मंत्रिमंडल के गठन पर आए फैसले के बाद साफ हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं सिंधिया समर्थक वो मंत्री जो उनके पीछे पीछे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल गठन पर क्या कुछ कहते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है पार्टी और संगठन जो तय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा, अभी तो मैं ग्वालियर में लोगों की सेवा में लगा हूँ। प्रभुराम चौधरी कहते हैं मैं आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिला हूँ, उनसे मेरी सामान्य बातचीत हुई है, कोई राजनीतिक चर्चा हमने नहीं की। महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है सभी पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, फिलहाल मुझे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इंदल सिंह कंसाना ने कहा मेरी तो पूर्व सरकार में लड़ाई मंत्री बनाए जाने को लेकर थी, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा मुझे जगह ज़रूर दी जाएगी। इमरती देवी कहती हैं अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें इन 5 मंत्रियों में से कुछ ऐसे हैं जो फिलहाल सिर्फ संगठन के बारे में सोच रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, हमें मंत्री ज़रूर बनाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें सिंधिया समर्थक इन्हीं मंत्रियों पर बीजेपी जो फैसला लेगी उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति साफ हो जाएगी। SPN 9 न्यूज़ से